आपसे बताया था पहले भी कि सहज योग क्या चीज है, उसमें क्या होता है, ये कैसे घटित होता है, उसकी काफी मैंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, साइंटिफिक डेफिनेशन दिए थे। आखिर साइंस, जिसे हम साइंस कहते हैं, ये मनुष्य ने बनाया हुआ नहीं है, ये मनुष्य ने जो खोजा हुआ है उसे वो साइंस कहता है। लेकिन उसने संसार की कोई भी चीज बनाई हुई नहीं, उसका कोई भी नियम उसने बनाया हुआ नहीं, कोई सरल शास्त्र उसका बनाया नहीं, गणित का शास्त्र भी उसका बनाया हुआ नहीं, उसके नियम उसकी विधि सब परमात्मा की बनाई है। जैसे कि आप देखिए कि एक सर्कल होता है और उसका जो व्यास होता है उसके और उस व्यास के परिधि में जो एक रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो आपने बनाया हुआ नहीं, उसका नियम परमात्मा ने ही बनाया हुआ है कि वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही रहेगा, वो रेशो बंधा हुआ, सब नियम जितने बंधाए गए हैं वो परमात्मा से बनाए हैं। आप लोग मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि माता जी आप 3.5 कुंडल क्यों कहती है, कुंडलिनी के 3.5 कुंडल क्यों कहती है। एकदम साइंटिफिक बात है, जो समझने वाला है वो समझता है। आपने कभी घड़ी को देखा है क्या? घड़ी में आप देखें तो सर्कल का जो व्यास होता है उसको कि आप डायमीटर कहते हैं, और जो सर्कमफेरेंस होता है, तो अगर वो 7 हो तो ये 22 होना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये 7 होगा तो वो 22 होगा। उसका रिलेशनशिप हमेशा 22 से 7 में होगा और उसका नाम एक कोएफिशिएंट बना के पाया बनाए, ये साइंस। न तो 7 से वो 8 होगा, अगर 8 होगा तो उसी प्रपोर्शन में होगा, हमेशा एक ही प्रपोर्शन रहे। अब 7 क्यों है डायमी? जब बिंदु में से, मध्य बिंदु में से जब डायमीटर गुजर जाता है तो उसे 7 होना पड़ता। इसी प्रकार हमारे अंदर जो सुषुम्ना गुजर गई है उसको भी 7 होना पड़ता है, उसमें भी 7 चक्र बनाए। और उसमें 3.5 इसके होना पड़ता है, क्योंकि अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिए तो आप 3.5 हो जाते हैं। अगर आप 3.5 वाले बनाए उस पाया के रेशो में, अगर आप 3.5 वाले बनाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कुंडलिनी जैसे, और बीच में से अगर आप लकीर खींच दें तो उसके बराबर 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 वलय होगा। है कोई यहाँ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन? का है, बरोबर है कि नहीं? साढ़े तीन वलय जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक के ऊपर एक, इस तरह से 3.5 वलय बनाएंगे, और बीच में से जब उसके बीच मध्य बिंदु से आप खेल के निकालेंगे तो उसके अंदर में 7 जगह वो कटेगा, और इसीलिए अपने अंदर 7 चक्र। लेकिन सर्कमफेरेंस का हिसाब किताब अलग रखता है कि 22 का आप 11 करिए तो 11 होता है। देखिए कितना गणित, हर एक चीज का कितना गणित आप देखिए कि जो मध्य में चीज चलती है वो 7 के हिसाब से चलती है, और जो उसके प्रकाश में चीज चलती है उसका जो प्रकाश होता है वो 11 के हिसाब से।
इसलिए अपने हाथ अगर किसी को रुपया देते हैं तो 11 देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि 11 का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है ये अनादि है, उसको बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो साधुओं ने जो कुछ खोजा वो लिख गया। उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी 3.5 बार लपेटी हुई एक कॉइल है, एक कुंडल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि क्यों है। साइंटिस्ट बता पाएंगे इधर 3.5 इस तरह से आप लपेटिएगा तो पूरा सर्कमफेरेंस उसका कवर हो सकता, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और उसमें बराबर 7 ऊपर से नीचे तक आप छेद दीजिए तो उसमें बराबर 7 चक्र तैयार हो जाए। अब साइंटिस्ट इधर में खोज रहे हैं और वो उधर खोज दिया, अब इन दोनों के बीच का एक दुआ है वो सहयोग से हो सकता। सहयोग साइंस जहां रुक गया है, साइंस जहां झुक गया है और साइंस जहां हार गया है वहां उसको आशा दे सकता है और उसे जता सकता है कि जो उन्होंने बताया है वही तुम्हारे किताबों में लिखा है, परिभाषाओं का फर्क है और उसका कारण क्या है। सहयोग उन साधुओं से भी परे आपको ले जाएगा, उन ऋषि मुनियों से भी परे आपको ले जाता है जिन्होंने खोज के निकाला है। आपको आश्चर्य होगा पर है बात नहीं। हमने बहुत बड़े साधु योगीराज देखे हैं, वो ऐसे यहाँ पैसा वैसा इकट्ठा करते नहीं फिरते हैं, वो बहुत बड़े जन हैं अपने संसार से बाहर रह करके और संसार की वाइब्रेशन से सेवा कर रहे हैं। किंतु हमने अभी तक किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा है कि जो आप लोगों जैसे कुंडलिनी को उठा सकता एक इशारे सिवाय गणेश जी को। गणेश जी के हाथ में जो एक छोटा सा सांप होता है वही आपकी कुंडलिनी का प्रतीक, सिवाय गणेश जी छोड़ के। और आप लोग जो कि मेरे बेटे हैं और मेरी लड़कियां हैं और जो मेरे सहस्त्रार से पैदा हुए हैं, मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो कुंडलिनी को इशारे पर खड़ा करते। बात सही, इससे बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब ये कैसे, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी इतना किया ये कैसे। एक पते की बात आपको बता दें कि राजा का मंत्री होता है वो सब कुछ जानता है कि राज्य को कैसे चलाना है और वो सारा राज्य का कारभार संभालता है, सब कुछ है, लेकिन जो घर की लक्ष्मी होती है, रानी होती है, वो अपनी चाबियां अपने बच्चों के हाथ में देती है लेकिन मंत्री के हाथ में नहीं देती। होंगे पढ़े लिखे बहुत विद्वान, होंगे बहुत पहुंचे हुए पुरुष, लेकिन मेरे सहस्त्रार से पैदा जो नहीं हुए, जब तक वो इस बात को मान नहीं लेते कि वो मेरे बेटे नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिल सकता और मिला नहीं। इसके लिए बहुतों ने मुझसे सवाल जवाब किए हैं अपने शिष्यों ने भी कि माता जी हम उनके पास गए थे, उस गुरु जी के पास गए थे, वो इतने बड़े आदमी हैं, आप भी उनको मानती हैं, पर उनको तो ये काम नहीं आता है जैसा हमें आता है, हमें सब मालूम है कि कौन सी चक्र कहाँ पकड़े होते हैं कहाँ कैसे होते, और हम लोग तो यूँ कर ऐसा हाथ कर देते हैं तो चक्र दूसरे के छूट जाते हैं और हमारे इशारे पे हजारों की कुंडलिनियाँ उठती है और हम सबको पार करा देते हैं। ये कैसे, वजह यह है कि तुम सब मेरे सहस्त्रार से पैदा हो। एक और ऐसा इंसान है ईसा मसीह जो कि माँ के हृदय से पैदा हुआ था, उसको भी अधिकार था, लेकिन वो समा भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता। और आज वो समा भी आ गया और तुम लोग तैयार भी आ गए हो। अब तुम हो सकता है कि तुमको, हम तो सामान्य लोग हैं, हम अत्यंत सामान्य हैं और हम कैसे ये काम कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन करते तो हो ना। इसमें तो कोई शंका तो नहीं तुम लोगों को कि तुम अब सबकी कुंडलिनियां देख सकते हो, जान सकते हो और समझ सकते हो कि किसका हृदय चक्र पकड़ा है, किसका क्या पकड़ा और कैसे उसे निकालना और कैसे सीखना।
हजारों बीमारियां और दुनिया भर की चीज कुल्लो निकाल करके फेंक देते हो। और इन लोगों को देखिए, मैंने बड़े बड़े महंतों को देखा, कहते भाई वहां गए थे तो हमने भी लखवा मार गया क्योंकि हमने किसी का लखवा ले लिया। तुम्हें ना लखवा मारता है ना कुछ नहीं मारता है, जब से तुम लोग पार हो गए तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक होती रहती, और अगर किसी की खराब हो भी जाए जरा तो फिर वो जरूर ठीक हो जाए। खैर सुनिए, ये तुम लोगों के अनुभव हुए हैं। इस पर राहुरी में भी मुझसे प्रश्न हुआ था, वहां मैंने इतने ओपनली बात नहीं कही, लेकिन बात यह है कि तुम मेरे सहस्त्रार से पैदा हो, मेरे सर से मैंने तुमको पैदा किया हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए विशेष अधिकार, तुम लोग विशेष अधिकारी हो। मानती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी सहजयोग से पार हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत भी सहजयोग से पार हुए हैं, अवघड़ क्रियाएं करके हजारों वर्ष तपस्या कर देखे, लेकिन उनके अंदर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है मेरा। आज आपसे मैं खोल कर कह रही हूँ, जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करिएगा तब तक ये काम नहीं। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।